गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल फोर्थ चैप्टर के अंदर सारणिकों को किस तरह से हल किया जाता है उस चीज को सीखा था। आज नया चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं, फिफ्थ, जो है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ये अपना चैप्टर फाइव। अब इस चैप्टर के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाया गया है, और यदि हमें रैखिक समीकरण दी हुई है तो उसे किस तरह से हल करते हैं इसके तरीके सिखाए गए। लेकिन किसी भी आव्यूह का यानी मैट्रिक्स का एक्स वाई जेड का मान तभी निकाला जा सकता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय जो अपन आव्यूह बोलते हैं वो चीज होनी चाहिए। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह ये है या नहीं ये पता कैसे चले? तो ये पता करने के लिए सबसे पहले जो अपने को मैट्रिक्स दे रखा है, जिसे अपन इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स साबित कैसे करें? तो उसके लिए जो भी मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ होता है जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले अपन इसका सारणिक बनाएंगे ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, और ये जो स्क्वायर डिटरमिनेंट बना वर्ग सारणिक बना, यदि इसका प्रसार करने पर ये अशून्य प्राप्त हो जाता है, यानी इस सारणिक का मान शून्य नहीं होता, तो वो सारणिक व्युत्क्रमणीय आव्यूह के रूप में यहां दिखाई देगा। यानी वो जिसका वो सारणिक आव्यूह का बना हुआ है वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और यदि ये जीरो हो जाए, यदि डिटरमिनेंट ए का मान जीरो हो जाए मान लीजिए, तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर आव्यूह कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका फिर इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह वास्तव में परिभाषा में कैसे देंगे? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके संगत सारणिक का मान अशून्य हो वो कहलाता है व्युत्क्रमणीय, और यदि सारणिक का मान शून्य है तो वो कहलाता है अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से अपन ये पता चलाते हैं कि किसी आव्यूह का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। इस तरीके से उस वर्ग आव्यूह का संगत सारणिक ले लो और चेक करो उसका प्रसार करके कि वो जीरो है या नहीं। अब आता है सेट अंडर्स आव्यूह। यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब ये सेट अंडर्स आव्यूह बला क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एक अपने को दिया हुआ रहेगा सारणिक, वो आव्यूह दिया हुआ रहता है, उस आव्यूह के संगत जितने भी अवयव हैं उन सब के सहखंड निकाल दें। जैसे ए अपने पास एक आव्यूह है,
a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. ये दे रखा है एक 3x3 का वर्ग आव्यूह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास 3x3। तो सबसे पहले चीज तो वही चेक कर लेनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज नॉन जीरो, यानी ये व्युत्क्रमणीय है यानी, पहले तो ये भी चेक कर लेना है, साथ में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन बात करें कि सेट हेडर्स निकालना चाहते हैं तो एक नया अपन बना रहे हैं, उसे आप चाहे तो बी नाम दे दें। इन सब के जो भी अवयव है, संगत अवयवों के जो भी है, उन सब के सेट खंड निकाल, जैसे इसका सेट खंड F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33, और उनसे एक अवयव बना लीजिए। यानी हमने क्या किया कि जो भी वर्गाकार अवयव अपने को दे रखा था, उसके सभी जो संगत अवयव हैं, उन संगत अवयवों के सेट खंड हमने प्राप्त किए, और सेट खंड प्राप्त करके उनसे एक नया मैट्रिक्स यानी अवयव बना लिया। ये भी उसी क्रम का होगा। अब यदि अपन इसका परिवर्त निकाल लेते हैं, बीटी ट्रांसपोज परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप जानते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में बदल देते हैं, F11, F12, F13, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाकर F21, F22, F23 और F31, F32, F33। ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सेट हंडर्स अवयव। तो किसी सारणी अवयव का सेट हंडर्स अवयव बनाना हो तो अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस सारणी के वो अवयव के जितने भी अवयव दे रखे हैं उन सब के पहले सेट खंड निकाले, कोफैक्टर्स सेकंड निकाले, और वो सेकंड मैंने यहां दिखाए दिए, ये सब सेकंड वैल्यूज है, उनसे एक नया सारणी बना लिया बी, और इसका परिवर्त निकाल लें यानी इसका ट्रांसपोज निकाल लें बीटी। बीटी क्या कहलाता है, ट्रांसपोज है इसका, और ये निकलता कैसे है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देने से या स्तंभों को पंक्ति में लिख देने से। तो इस तरह से अपन जो बीटी प्राप्त करेंगे यानी इसका परिवर्त प्राप्त करेंगे, वही अपना सहखंडज अवयव यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा इस दिए हुए मैट्रिक्स का। और जब अपने को ये एडजॉइंट ए निकालना आ जाता है तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी निकल जाता है, व्युत्कर्ण अवयव, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये कैसे निकल जाता है, ए इनवर्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, व्युत्कर्ण ए का यानी ए इनवर्स। तरीका क्या रहेगा, एडजॉइंट ए निकालना और उसमें सारणिक ए का भाग दे देना, सारणिक ए यानी डिटरमिनेंट ए, नॉन सिंगुलर वैल्यू रहती है यानी नॉन जीरो वैल्यू रहती, उसका भाग दे दें। तो किसी सहखंडज अवयव में यदि उसके संगत मैट्रिक्स के संगत सारणिक की जो वैल्यू होती है उसका भाग देते हैं तो हमें व्युत्कर्ण अवयव मिलता है, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मिलता है। तो इस तरह से किसी भी सारणी के सहखंडज अवयव को कैसे निकाला जाता है वो सीखा हमने, और
उसका व्युत्कर्म आव्यूह कैसे पता लगाते हैं वो से। तो व्युत्कर्म आव्यूह यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तक पहुंचने के लिए पहले ये प्रोसेस अपनाना है। तो ये था अपना ये वाली चीज। अब है कि रैखिक जो समीकरण होती है उनसे जो निकाय बनता है उस निकाय को हल कैसे करते हैं, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू बी वन, पहली समीकरण। फिर है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल्स टू बी टू। फिर है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल्स टू बी थ्री। ये तीन समीकरण है रैखिक एक्स वाई जेड में। इन तीन समीकरणों से मिलकर एक निकाय बनता है सिस्टम। और इस सिस्टम को हल करके अपन x, y और z की वैल्यू पता अब वो वैल्यू पता कैसे कर, मालूम कैसे किया जाए कि x क्या आएगा, y क्या आएगा, z क्या आएगा। तो हमारे पास इस चीज के दो तरीके हैं, दो मेथड। एक क्रैमर रूल कहलाता है और दूसरा मैट्रिक्स प्रिंसिपल मेथड है, यानी मैट्रिक्स सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से अपन उस चीज का पता लगा। दो तरीके हैं अपने पास इस चीज का मालूम करने के लिए। तो पहले हम सीखने जा रहे हैं क्रैमर रूल, क्रैमर नियम। क्रैमर रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा यानी मुख्य सारणी का मान पता करते हैं। डेल्टा यहां पर होता है वो सारणी जो एक्स वाई और जेड के गुणांकों से मिलकर बना है, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री और C1, C2, C3। इन तीनों से मिलकर बना हुआ है अपना डेल्टा। फिर अपन क्या करते हैं, इस प्रथम स्तंभ को इन कांस्टेंट राशियों से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसे अपन कहते हैं डेल वन। ये दूसरा सारणिक बना रहे हैं जिसमें ये दो स्तंभ तो वही रखेंगे, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। जो चेंज बना रहे हैं वो पहले स्तंभ में, पहले स्तंभ में जो ये एक्स के गुणांक थे उनको हटा दो और उसके जगह ये वाली वैल्यू रख दो, डी वन डी टू और डी थ्री, इसको डेल वन। फिर हम डेल टू का पता करते हैं और इसमें जो दूसरा स्तंभ है इस डेल का दूसरा, उसको डी वन डी टू डी थ्री से बदल देते हैं, डी वन डी टू डी थ्री, और पहला और तीसरा स्तंभ वही रहता है, ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये डेल टू कहलाएगा। और फिर डेल थ्री निकालते हैं, इसमें जो तीसरा स्तंभ है उसको उनसे बदलते हैं, पहले दो एज इट इज और तीसरा डी वन डी टू डी थ्री से चेंज। ये डेल डेल वन डेल टू डेल थ्री अपने पास है, इन चारों के मान अपन निकाल लेंगे तो हमारे पास एक्स का मान ज्ञात करने का तरीका आएगा डेल वन में डेल का भाग दे, डेल वन में डेल का भाग दे दीजिए तो एक्स मिल जाएगा।
डेल टू में डेल का भाग दे दीजिए वाई मिल जाएगा, और डेल थ्री में डेल का भाग दे दीजिए जेड मिल जाएगा। तो इन तरीकों से अपन एक्स वाई और जेड यानी इस निकाय के हल प्राप्त कर सकते, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम पता लगा सकते। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि पहले एक्स वाई जेड के गुणांकों से डेल्टा बना लीजिए, फिर एक्स के रिप्लेस करके कांस्टेंट से डेल वन, वाई को रिप्लेस करके डेल टू, और जेड के गुणांकों को रिप्लेस करके डेल थ्री बनाए, और फिर इस तरीके से एक्स वाई जेड के मान पता लगाए। तो ये तरीका तो हुआ अपना क्रैमर रूल का। अब जब क्रैमर रूल समझ में आ गया है तो दूसरा तरीका जिसके माध्यम से एक्स वाई जेड के मान निकाले जा सकते हैं, और उस तरीके को अपन मैट्रिक्स प्रिंसिपल मेथड कहते हैं, यानी आव्यूह का सिद्धांत वाला तरीका। अब इस मैट्रिक्स प्रिंसिपल मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाया ए वन ए टू ए थ्री से बी वन बी टू बी थ्री से सी वन सी टू सी थ्री से, ये कहलाता है ए। दूसरा बनाया बी एक्स वाई जेड, यानी जो चर राशि है एक्स वाई और जेड का हमारी वो, और तीसरा बनाया अपन ने जिसके वैल्यूज हैं डी वन डी टू और डी थ्री, जैसे ये तो आपका एक्स हो गया और ये हो गया बी, इसको एक्स का एक्स वाई जेड इसको बी कहते हैं। आप देख रहे हैं इसका गुणा इससे करने पर वो मिलता है, यानी a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी दिखाई देगा, ये चीज यही बनी हुई। तो मैं इसको a इनवर्स से इंटू कर दू, तो a इनवर्स इंटू ए आई बनता है, और ये आई का एक्स इंटू एक्स ही रहेगा, यानी a इनवर्स b। और आप जानते हैं ए इनवर्स अपन कैसे निकालते हैं, जहां ए इनवर्स निकाला जाता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी सहखंडज आव्यूह ए में सारणिक ए के मान का भाग दे इससे जो बनेगा वो सहखंडज निकालेंगे, और इसी का जो सारणिक वैल्यू होती है उसका भाग दे दे तो वो ए इनवर्स होता है। वो ए इनवर्स का बी से गुणा कर दें उससे डी वन डी टू डी थ्री वाले से, तो हमें एक्स के इक्वल में एक स्तंभ आव्यूह मिल जाएगा। फिर तुलना कर लेंगे एक्स की वैल्यू इधर वाले से, वाई की वैल्यू इधर वाले से, जेड की वैल्यू इधर वाले के बराबर करके एक्स वाई जेड निकालें। ये अपना मैट्रिक्स प्रिंसिपल मेथड यानी मैट्रिक्स आव्यूह वाला जो सिद्धांत होता है उस तरीके से निकाय को हल करने का तरीका है। तो ये अपने तरीके हुए एक्स वाई और जेड पता करने के, होप सो समझ में आए होंगे। बाकी अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अपन देखेंगे कल।